हाँ हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जा रहे हैं हम बकरीद के लिए गरम मसाला बनाने के लिए। तो हम बाहर का सामान नहीं मसाला यूज करते हैं, इसीलिए हम सोचे कि भाई 5-6 दिन पहले हम थोड़ा सा मसाला बना के रख लेते हैं। तो हम सोचे कि चले भाई आप लोग के साथ थोड़ा से हम मसाले के लिए शेयर कर दें कि बाहर का मसाला खाने से अच्छा है कि घर ही पर मसाला खड़ा मंगा करके इसको धो करके छत्ता पर सुखा करके धनिया हुआ या मिर्च हुआ, जीरा गुल मिर्च हुआ, सबको पाउडर बना लेना है। चलिए हम बनाते हैं। पहले हम धनिया को डालते हैं यहाँ पर। इसको हल्का धीमा आंच पर हल्का से क्रश करना है, खुशबू रोस्ट करना है। इसको आप थोड़ा से एकदम धीमी धीमी आंच पर इसको खुशबू आने तक भून लेना है। बाहर के मसाला से लाखों दर्जा ये अच्छा है। अपना घर का मसाला, गरम मसाला और सब मसाला, कच्चा लहसुन प्याज जो भी हो आप लोग डालिए। और ये मसाला बना करके 2 चम्मच डाल देने से जायका बढ़ जाता है। मटन, चिकन या सब्जी कुछ भी हो, सबका टेस्ट बढ़ा देता है ये मसाला। आप लोग एक बार बनाइएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ हम मसाला सही बनाए हैं या नहीं बनाए। तो हम ये धनिया को हल्का से भून लेना है खुशबू आने तक, धीमा धीमा आंच पर। देखिए कितना धीमा आंच पर है, ज्यादा तेज आंच नहीं है। अभी हम थोड़ा ही मसाला बना रहे हैं, फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर हम और बनाएंगे। चलिए ये भून गया है, अब इसको हम उतार लेते हैं। बस 2 मिनट तक इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं, खुशबू आने तक भूनना है। देखिए अब हो गया ये काली गोल मिर्च, इसको भी थोड़ा से रोस्ट करना है। सभी मसालों को अलग अलग से करना है ताकि कोई मोटा होता है कोई पतला होता है, इसीलिए सबको हम अलग से करते हैं। एक जीरा हो गया, उजला जीरा, सभी को एक भून करके मिक्स कर देंगे। उसके बाद सब मसाला को पाउडर बनाएंगे, बना करके टाइट डिब्बा या शीशी में आप रख दीजिए। आराम से उसको जब सब्जी बनने के तैयार हो जाए तो 1 चम्मच आपको गरम मसाला के तौर पर डाल देना है। और सभी मसालों को आप पहले से अपना डालिएगा, लहसुन, हरी मिर्च जो भी डालना है, प्याज, मगर ये मसाला मेन मसाला है टेस्ट बढ़ाने वाला। हम डायरेक्ट बना रहे हैं, हम मोबाइल कट नहीं कर रहे हैं ताकि हम सबको दिखाएं अच्छे से। आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे डिश पसंद आए तो आप दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ये भी अब जीरा और काली गोल मिर्च भी भून गया। बस 1.5 से 2 मिनट तक इसको हल्के धीमा आंच पर इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। ये भी हो गया। चलिए
सभी मसालों को हम एक साथ मिला के पीसेंगे, इसी में हम सब ढाल रहे हैं ठंडा होने तक। अब देखिए, अब ये हो गया तेजपत्ता, ये बड़ी इलायची, ये छोटी इलायची, ये जावित्री की खुशबू बहुत ज़्यादा कड़ा होता है इसीलिए हम कम डाल रहे हैं, आपको ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालिए। ये थोड़ा सा दालचीनी, ये फूल, ये सभी मसालों को हम धीमा आंच पर अलग से भूंजेंगे ताकि ये मोटा मसाला नहीं है, इसको हम डाल देते हैं पहले। फिर हम थोड़ा सा लौंग डाल देते हैं, फिर हम ये सब डाल देते हैं। इसी के साथ थोड़ा से लाल मिर्च भी डाल देते हैं। नाक बंद करो। नाक बंद कर लो। अब गैस को हम करते हैं बंद ताकि इसी पर ये हो जाएगा, गरम है, मोटा तावा है, फ्राई पैन है, इसको गैस को बंद कर देते हैं। इसी में इसका गर्माहट से चुरचुरा हो जाएगा और रोस्ट भी हो जाएगा। देखिए अभी से खुशबू आने लगा है, अच्छे अच्छा एकदम पकेगा तो कितना अच्छा इसका खुशबू निकल के आएगा खाने में, जायके में। ये तेजपत्ता का जो है कड़ा कड़ा, उसको निकाल देना है। इसी में हम थोड़ा से कसूरी मेथी भी डाल देते हैं ताकि ये भी रोस्ट हो जाए हल्का से। इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है, चाहे मटन चिकन सब्जी जो भी हो, इसका खुशबू ही अलग चीज़ है, इसीलिए हम इसको भी इसी में डाल देते हैं थोड़ा से। अब हम इसको पाउडर बना करके हम आपको दिखाते हैं सभी मसालों को। देखिए ये जो हम भुने थे धनिया और जीरा गुल मिर्च, इसका सब ठंडा होने तक, गर्म है अभी, रखेंगे फिर पाउडर बना कर आप दिखाएंगे। फिर इसको भी हम अभी इसी पर हम रख देते हैं, ठीक है, बुकी बनाते हैं तो दिखाते हैं।